मैं रवि तिवारी उर्फ वीर, मैं रवि तिवारी उर्फ वीर, मेरे ऊपर 50,000 आईडी लगा, एक मिनट, हाँ बताइए बताइए, मेरे ऊपर 50,000 का इनाम है और मैं अपने आप को पुलिस के सामने समर्पण करने आया। क्या नाम है आपका? रवि तिवारी उर्फ वीर। क्या क्या मुकदमे हैं आपके पास? जी खुटहन से मेरे ऊपर एक 302 का 120 भी है और एक करौदी थाने जिला सुल्तानपुर से मेरे ऊपर 386-387 का मुकदमा। आप कोर्ट में भी सरेंडर कर सकते थे लेकिन पुलिस ने क्यों आया? सर हमको डर लग रहा था कि न्यायालय गेट से भी उठाया जा सकता है। इनकाउंटर का डर आपको? इनकाउंटर का कि बुलडोजर का डर? जी जी दोनों का। आपके ऊपर इनाम कितना है? 50,000 का। 50,000 का जी। जरायम की दुनिया में कब से हैं सर? हम ना कोई अपराधी थे, ना हैं, ना रहेंगे सर। तो ये मुकदमे कैसे कैसे 50,000 रुपए तक का इनाम घोषित हुआ है? सर मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा लगाया गया सर। चलो चलो एक मिनट, चलते चलते बना दो। ये एक आरोपी है, क्रिमिनल है, ये अभी थोड़ी देर पहले कुछ प्रेस वालों के साथ एसपी सिटी के कार्यालय में आया है और इसने बताया कि ये कुठहन थाने में एक हत्या का मामला है जिसमें वांछित चल रहा है और इसके साथ ही जनपद सुल्तानपुर से भी किसी मामले में वांछित है जिसपे इस पर पुरस्कारपुर में घोषित किया गया है। तो कुठहन एसओ को बुला के बताया गया है कि उनका जो भी विधिक कार्रवाई है उसको देखें, सुनिश्चित कराएं और साथ ही जनपद सुल्तानपुर पुलिस को भी इसकी सूचना दी जाएगी। ये यहाँ आज एसपी कार्यालय में आप समर्पित किया है, कह रहा है कि आपकी गोली से डर लगता है इसलिए सिलेंडर करा, इसके लिए नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पुलिस तो जहाँ भी फायरिंग करती है आपको रक्षा में करती है और जो कुछ प्रेस के लोगों के साथ ही आया था और एसपी साहब के समक्ष आया, इसने बताया कि हमको इतना का रिमांड घोषित हुआ है, आप सरेंडर करना चाहते हैं तो जो भी विधिक प्रक्रिया उसका हम लोग पालन सुनिश्चित करा रहे हैं और न्यायालय के समक्ष इसको हम लोग पेश करेंगे। इसका एक भाई भी 50,000 का इनामिया बताया जा रहा है। मैंने आपको बताया कि जैसे थोड़ी देर पहले ही आया था तो बाकी सारी तथ्यों की जांच पड़ताल हम लोग कर रहे हैं, जांच पड़ताल करके उस चीज़ों से आपको अवगत कराएंगे। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार इस पर 1.5 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे पंजीकृत हैं, बाकी भी हम लोग दिखा रहे हैं कि बाकी कौन कौन से मुकदमे। थैंक यू। आपके दिमाग में ऐसा क्यों आया कि यहाँ आप पुलिस के ऑफिस में अपने आप को सरेंडर करें? सर मेरे घर पे 82 का नोटिस चस्पा हो गया और सर मुझे एनकाउंटर का डर था, कहीं मेरा एनकाउंटर ना हो जाए। क्या जौनपुर पुलिस से डर था कि सुल्तानपुर से? सर जौनपुर पुलिस। किस लिए जौनपुर पुलिस से आप इतना डर रहे थे? सर जौनपुर पुलिस से मेरे ऊपर 120 का मुकदमा चल रहा था। इनाम तो आपको सुल्तानपुर पुलिस के ऊपर था? इनाम तो आपके ऊपर सुल्तानपुर से है। जी सर। तो फिर यहाँ पुलिस को डर रहा, यहाँ से डर रहा? यहाँ से भी सर, जौनपुर पुलिस से और जौनपुर की एसओजी टीम से। सिर्फ भयभीत थे? जी सर। कप्तान साहब से इतने भयभीत थे और एसओजी से? जी सर। बाबा के बुलडोजर से डर लग रहा था कि मुठभेड़ से, इनकाउंटर से डर रहा? सर इनकाउंटर से। क्या नाम है? जी रवि तिवारी। सर एक 386-387। कब से? सर ये फरवरी के महीने, 3-4 से ब्लड शुरू हो गया। एक मिनट बात करने से दो मतलब कर लीजिए, बुला लेंगे फिर आपको। हाँ हाँ, यहाँ बात करेंगे, सब लोग बाहर हो गए। हाँ सब लोग बाहर।